जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिम्पति। जी राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। यहाँ पर कृष्णा ये गमला बना रहे हैं ईंट लगाकर चारों तरफ, क्योंकि ये एलोवेरा का जो प्लांट लगा हुआ है ना, ये ग्रो नहीं कर रहा था। इसमें से और पेड़ नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि पानी इसका पूरा निकल जाता था बाहर, तो इस वजह से चारों तरफ इसको बिल्कुल गड्ढा टाइप में बना दिया ताकि जो भी पानी इसमें डाले तो ये इसमें रुका रहे। और ये जल्दी जल्दी काम निपटा रहे हैं क्योंकि इन्हें कोचिंग में जाना है, तो इन्होंने हाथ पैर धुल लिए हैं, वहाँ का सारा काम हो गया है और अब बाल्टी में भरकर पानी ले जा रहे हैं, उसी में डालेंगे। और इस गड्ढे का पानी चेंज करना है क्योंकि यहाँ पर जो समर सेबुल लगा है वो पता नहीं क्या उसमें हो गया, वो चल नहीं रहा है, तो अंदर की मोटर से यहाँ का पानी चेंज किया जाएगा मछली वाला। और हमने भी तैयारी कर ली है मंदिर जाने की, जो मैंने आते समय आप लोगों को मंदिर दिखाया था तो वहाँ पर मैंने मन्नत मानी थी प्रसाद बांटने की। कई बार से आती हूँ और चली जाती हूँ, प्रसाद रह जाता है, तो मैंने सोचा आपकी बार मैं बांट कर ही जाऊँगी, तो इसीलिए आज तैयार हो गए हैं। और आँखों में मैंने आज काजल लगा लिया, वैसे काजल मुझे पसंद नहीं है, तो ज़रा भी ज़्यादा हो जाता है ना तो फ़ौरन मैं उसे पोंछ देती हूँ। आँखों का कोई मेकअप मैं नहीं करती हूँ, और आँखों का ही क्या, मैं चेहरे पर ही बहुत कम मेकअप करती हूँ। और मम्मी को सुबह से मालूम नहीं था कि मैं जाऊंगी पूजा करने, नहीं तो फूल बचा देती। सुबह में फूल तोड़े जाते हैं, घर में सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, तो फूल ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने सोचा चलो हम खुद ही तोड़ लेते हैं। वैसे नहाने के बाद हम लोग फूल नहीं तोड़ते हैं, लेकिन अब भगवान के दरबार में जा रहे हैं और इतने सारे फूल लगे हुए हैं तो खाली हाथ जाना अच्छा भी नहीं है। सज गई हम लोगों की गाड़ी, आज हम यहाँ बेलपत्र तोड़ रही हैं, फूल तोड़ लिए भाई। मेरे यहाँ तो जन्नत है जन्नत, और आप लोगों को भी पसंद आ रहा है क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं ना तो पता चल जाता है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो यहाँ के जितने भी मेरे वीडियो हैं ना उस पर बहुत सारे अच्छे कमेंट और व्यूज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं मंदिर के पास। बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया है, और ये पता है किसका मंदिर है, ये मेरे गुरुजी का मंदिर है, मेरे टीचर जी, भाई हम लोग तो गुरुजी ही बोलते थे। तो जब वो रिटायर हुए थे ना तो उन्होंने अपनी पेंशन का आधा हिस्सा इस मंदिर पर खर्च किया। आप लोग देख के ही समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें बजट आया होगा बनवाने में। तो ये जो गुरुजी थे ना, इन्होंने मुझे 6 से 8 क्लास तक पढ़ाया है। तो यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ, एक तरफ अभी जो मैंने दिखाया वो ब्रह्मा जी की मूर्ति थी, और ये हैं श्री हनुमान जी महाराज। सबको पता ही है, अगर हम लोग हिंदू हैं ना तो अपने हिंदू देवी देवताओं को तो अच्छे तरीके से जानते होंगे। और ये हैं श्री गणेश जी, जिनकी पूजा सबसे सर्वप्रथम होती है, और जहाँ भी शंकर जी की स्थापना होती है ना, माना जाता है कि इनके परिवार को विस्थापित करना चाहिए, क्योंकि जिस भी घर में हम लोग रहते हैं ना तो अकेले तो अच्छा नहीं लगता, जाहिर सी बात है, तो फैमिली का होना ज़्यादा ज़रूरी होता। तो यहाँ भी शंकर जी की पूरी फैमिली है। और ये संगमरमर की शिव जी की मूर्ति है, जो बहुत ही सुंदर थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। और साथ में है उनका वाहन श्री नंदी जी महाराज, और इस साइड में है श्री राम दरबार की तस्वीर। और आप लोगों को बता दूं, अगर आप किसी फैमिली में हैं, जाहिर सी बात फैमिली में होंगे, तो श्री राम दरबार की तस्वीर ज़रूर रखिए। इससे क्या होता है, हमारे पारिवारिक रिश्ते बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजबूत होते हैं, ये मेरे यहाँ कहा जाता है, और मैंने इस चीज़ को फील भी किया है, क्योंकि मेरे घर के जो रिश्ते हैं ना बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, एक तरह से ना कलह नहीं होता रिश्तों में, तो घर की शांति बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि श्री राम दरबार की जो तस्वीर है उसको आप ज़रूर घर में रखिए। और हमारी संस्कृति में सर खोलकर किसी भी मांगलिक कार्य को पूरा नहीं किया जाता है, तो इसीलिए मैंने सर पर दुपट्टा डाल दिया है। पूजा करने के लिए हम लोग पल्लू या फिर दुपट्टा कुछ भी आप डाल सकते हैं, जेंट्स लोग रहते हैं तो वो रुमाल डाल लेते हैं।
चलिए आपको थोड़ा सा बाहर का दिखा दूँ। ये हैं पूरी तरह से कांच में पैक की गई हैं माता जी। ये हैं जमुना माँ, आप लोग जानते होंगे गंगा जमुना सरस्वती, ये हमारी नदियाँ हैं। तो हमारे यहाँ तो नदियों को भी देवी का स्थान दिया गया है। तो ये कछुए पर विराजमान है। और इसके बाद हम लोग चल रहे हैं ऊपर, ऊपर दुर्गा माँ की स्थापना हुई है। और सच में हम लोग जब मंदिर आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी शांति भरी पड़ी है, यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अब क्या है ना, जीवन की आपाधापी में ना हम लोगों के जीवन से शांति गायब हो गई है। लोगों की इसी प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए शायद इन मंदिरों का निर्माण करवाया जाता ताकि हम थोड़ी देर आकर मंदिर में अपने आप को देखें, अपनी शांति को तलाशें। पूजा ख़त्म कर लूँ ना, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ बाहर का नज़ारा कैसा दिखता है। क्योंकि ये जो मंदिर है ये मेरे गांव में नहीं है, गांव से बाहर एक दूसरा गांव है वहाँ पर ये मंदिर पड़ता है। तो ये बाहर का जो एरिया यहाँ पर है ना, यहाँ भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो मेरी जितनी भी वीडियो हैं आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि कहाँ ये गाँव पड़ता है। तो बहुत जल्द मैं आपको बताऊँगी कि मेरा मायका कहाँ पर है। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये शनिदेव महाराज की है। वैसे तो अगर हम लोग हिंदू हैं तो सभी लोग जानते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है ना कि बहुत लोग इंडिया से बाहर के हैं मेरे सब्सक्राइबर भाई बहन जो देख रहे हैं मुझे और मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो इसीलिए सारी चीज़ों को मैं बता रही हूँ। और ये पीछे का एरिया है और इसके चारों तरफ की देख लीजिए कैसी ज़मीन है। यहाँ पर हर तरफ आपको हरियाली ही हरियाली दिखेगी। तो मेरी पूजा पाठ ख़त्म हो चुकी है, अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। और एक बार आप पूरा मंदिर देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आपको ये मंदिर कैसा लगा, मुझे तो सच में बहुत बहुत अच्छा लगा। तो चलते हैं घर अब, क्योंकि खाना पीना नहीं खाए ना तो शरीर में ताकत नहीं बची, जान नहीं बची है बिल्कुल भी। वहाँ से आने के बाद ना मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि पूछिए मत। फिर मम्मी ने मेरे बालों में तेल लगाया और जानते हो मम्मी के हाथ में जादू होता है, जैसे ही उन्होंने तेल लगाया मुझे इतनी अच्छी सी नींद आई कि मैं तुरंत ही फैन लगाकर सो गई थी। उसके बाद जब उठी ना तो कई दिन से सोच रही थी ये मेरा पुराना बक्सा है शादी के पहले का, कक्षा 7-8 में पढ़ती थी। मुझे हमेशा से ही ना कुछ नया करने का मन करता रहता था, तो मेरे लिए ना इसमें सारा कबाड़ भरने की इजाज़त मिल गई थी। तो इसमें ना बहुत सारे ऐसे झूमर वगैरह पहले बहुत बनते थे ना, तो वही सब मोती हैं, सितारे हैं। और हाँ, मुझे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक़ था। बात उस समय की जब इंजमाम उल हक पाकिस्तान के कप्तान हुआ करते थे, शाहिद अफरीदी और अपने यहाँ राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, ये सब जब खेलते थे ना तब मैं उस समय बहुत ज़्यादा क्रिकेट की दीवानी थी। तो मेरे पास देख सकते हैं क्रिकेट की भी बहुत सारी ऐसी रूपायन की किताबें हैं। और ये जो अमर उजाला के साथ आती थी, पता नहीं अब आती ही नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस समय ये बुक जो है फ्राइडे को मिलती थी अमर उजाला के साथ में। तो मेरे यहाँ हमेशा दैनिक जागरण आता था, लेकिन इस किताब के चक्कर में मैं जब कोई नहीं रहता था तो मैं अमर उजाला पेपर ले लेती थी कि मुझे किताब मिल जाएगी पढ़ने के लिए। तो कहानियों का और पढ़ने लिखने का शौक मुझे शुरू से था। और ये जो कढ़ाई करने वाली फ्रेम आती है ना वो है बेकार हो चुकी है, तो अभी भी मेरी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, मम्मी ने फेंका नहीं है। क्योंकि ये पुरानी यादें हमें कुछ ताकत देती हैं और पुरानी चीज़ों से अटैच करती हैं। तो ये देखिए मोती हैं, सितारे हैं, बहुत पाइप और घंटी जो लटकाई जाती थी उसमें बनाया जाता था, अब तो फिलहाल कोई करता ही नहीं है ये सब कुछ, तो जैसे का तैसा पड़ा हुआ है। मम्मी कह रही थी कि लिए जाओ अगर कुछ बनाना हो, तो मैंने कहा इतना टाइम ही नहीं है इन सब चीज़ों को करने का। तो वहीं देख रही थी और पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी। और इसमें से मैंने बहुत सारे पेपर निकाले हैं, क्योंकि पेपर पढ़ने का मुझे जो है शौक पुराना था और आज भी है। जैसे मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं किताबें और पेपर बहुत पढ़ती हूँ। तो अभी भी वहाँ मेरा एक रैक जो है किताबों से भरा पड़ा हुआ है, और इसमें से मैंने एक किताब निकाली और पेपर निकाले पढ़ने के लिए। तो इनको मैं ले जाऊँगी घर पढ़ने के लिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।